लग रही है आपकी गाड़ी, कैसी लग रही है? सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी मुझे जाना है काम से, यहाँ कार की सीट कवर लगवाने। काफ़ी टाइम हो गया था, 6-4 महीने हो गए हैं कार की सीट कवर डालनी है, और काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन और करवाया है मैंने। तो एक साथ ही वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो मैं जो इसमें मॉडिफिकेशन करवाया है उसकी वीडियो दिखाऊँगा मैं आपको। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ कार सीट कवर डलवाने और मैट के लिए। तो फिलहाल आप ये देखिए, मैं हल्द्वानी से डलवा रहा हूँ और अभी मैं रास्ते में हूँ, घर से निकला ही हूँ, सुबह के 9:30 बजे हुए हैं। तो देखिए वीडियो और किस क्वालिटी का मैंने लगवाया है आपको आगे पता चलेगा। तो नेक्स्ट वन में सीट कवर मंगवाए दिल्ली से, तो एक हफ्ते का टाइम दिया था, तो कल ही सीट कवर आ गए थे। तो आज उसका फ़ोन आया था, तो आज सुबह सुबह मैंने कहा ठीक है, आज सैटरडे छुट्टी का दिन है तो चले जाते हैं सीट कवर डालने। तो ठीक है, देखिए। और अभी पहुँचा हूँ मैं ये सेंटर हॉस्पिटल के पास, गैजदाम रोड के पास। और यहाँ आज सैटरडे है तो हल्द्वानी बंद रहता है सैटरडे के दिन। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है हल्द्वानी में, तो अभी एसी ऑन किया है सुबह मॉर्निंग में भी, देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, एकदम धूप खिली हुई है। मार्केट जहाँ पे मैं करवा रहा हूँ यहाँ से 4 किलोमीटर है। शोरूम का सीट कवर मुझे पसंद नहीं आया, शोरूम में जो एक ही पीस पड़ा था नेक्सॉन का एक्सम के लिए, तो वो मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने बाहर से पता किया, तो बाहर मार्केट से उन्होंने कहा कि ठीक है जो आपको चाहिए वो ऑर्डर पे मिल जाएगा, तो ऑर्डर कर दिया 1000 रुपये जमा करके, उन्होंने फिर मंगवा लिया दिल्ली से। तो ठीक है, देखते हैं देख कैसा फिट होता है, फिटमेंस कैसे आती है इस गाड़ी की। और शोरूम से भी कुछ मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करवाए थे, ऐड करवाए हैं, तो मैं धीरे धीरे उसको दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सारा कुछ लगवाने के बाद ही मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या फिट किया हुआ है, मॉडिफिकेशन किए हुए हैं। आज नहीं मिला ट्रैफिक, ठीक है चलो। और अभी मैं जा रहा हूँ टिकोनिया के पास, वहाँ पे सारी गाड़ी का मॉडिफिकेशन होती है, तो वहीं जा रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको सीधे शॉप पे। कवर लगेगा और ये शॉप का नाम है नेशनल कार एक्सेसरीज, यहाँ पे मैं ये लगा रहा हूँ। ये बस अड्डे के पीछे है, यहाँ पे सारे कार एक्सेसरीज वाले यहाँ पे रहते हैं, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर किसी को भी आना हो हल्द्वानी का, कोई देख रहा है इस वीडियो को तो देख सकता है। और देखता हूँ इनका काम कैसा है, अभी सीट कवर दिखाता हूँ मैं आपको। आ गए हैं सीट कवर, तो चलिए सीट कवर भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। ये है सीट कवर, ये है डिज़ाइन, लगने के बाद पता चलेगा ये कैसा है। तो फिलहाल अभी सीट निकल रही हैं, सीट निकलने के बाद इसमें चढ़ता फिर मैट लगाना ही है। सीट वगैरह निकाल दिए हैं और यहाँ नीचे मैट बिछेगी इसमें। इसमें मैं 90 मैट बिछा रहा हूँ, देखते हैं कैसा लुक आता है 90 का। तो लेने गए हैं अभी गोदाम से। बकेट फिटिंग में कुछ वो तो नहीं होगा ना बाद में, जैसे अगर निकालना चाहूँ बाद में ना 2-3 साल के बाद कवर। हाँ, ये सीट जैसे फटती थी नहीं है, सीट कवर सीट फटती नहीं है, जो सिलाई होती है वो सिलाई लगानी पड़ती है, उसके अंदर एक रोट होती है, जैसे ये हम डाल रहे हैं दोनों कनेक्ट होती है, तब मजा आता है ना कस्टम का। अच्छा, मतलब ये अच्छा। अखिल भाई कहाँ है? अखिल भाई गोदाम में। अरे वो जगह लकड़ी वाली सीट पे। दोस्तों अभी ये वाली सीट तैयार हो चुकी है और इसमें बकेट फिटिंग है, ये सीट कवर है और ये तैयार हो गया यहाँ पे, और सेकेंड में भी लग रहा है यहाँ पे बकेट फिटिंग होती है। बकेट फिटिंग कैसी होती है बताना जरा। बकेट फिटिंग तारे उड़े काट के, रोटे वोटे काट के, हाँ पूरी कटिंग करके ऐसी बकेट फिटिंग होती है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर ये सिलाई निकालनी पड़ती है, यहाँ से भैया सिलाई निकालेंगे ऐसे ही, इसमें ये सिलाई निकाल के इसके बाद ये फिट होता है इसमें। अभी तैयार हो रहा है और ये अभी तैयार हो चुका है, ये वाला ठीक है।
तो यहाँ पे ये तैयार हो रहा है। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको मैट, 90 मैट जो लगी है यहाँ पे, ये इसकी फिटिंग है। ठीक है ये लग गया, ये अंदर तक फिट किया है ना, अंदर जाने का सारा पूरा। क्या चीज़? ये अंदर कर दिया। हाँ ठीक है, सब हो चुका। बाकी तो जब हो जाएगा, पुराना हो जाएगा तो फिर बिछ जाएगी पुराना से। दो दिन में आप पैर रखोगे ना तो हाँ बैठ जाएगा, फिर बैठ जाएगा अंदर को। ठीक है, और ये रही, ये 90 मैट है। इसके ऊपर और कोई मैट लगाने की जरूरत तो नहीं है ना? वैसे आप सेफ्टी के लिए लगाना चाहो तो वैसे डाल सकते हो। कौन सी वाली? कोई सी भी डाल सकते हो, ग्रास मैट हो गए जैसे। हाँ हाँ, इन हुक का इस्तेमाल किया जाता है थोड़ा बहुत इसमें फिट करने के लिए। ये हुक हैं, ये स्टिच होते हैं इसके अंदर, सीट के अंदर। और अभी एक ये हैंडल कवर है, ये लगने के बाद देखते हैं कैसा लगता है, इसके साथ मैच होता है नहीं। तो इन सब की कॉस्टिंग मैं बताता हूँ जब ये लग जाएंगे सारे, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको और बताता हूँ इसकी कॉस्ट क्या पड़ी सारी। तैयार हो रही है फ्रंट सीट कवर, और अभी दुकान में यहाँ पे हो रही है बैक सीट की, बैक सीट का सीट कवर चेंज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फिटिंग इसका। ये बैक सीट का है, ठीक है, इसमें भी बकेट फिटिंग हो रही है ना, इसमें भी। ठीक, तो इसमें सिलाई उधाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती? अच्छा उधाड़ दी है, फिट हो गया। तो दुकान के मालिक तुम हो ना? मालिक तुम हो गए हैं? मालिक कौन हुआ? अच्छा वो लगा रहा, वही मालिक हुआ। अच्छा अच्छा, दुकान का नाम बता देना इनको यार। नेशनल कार एक्सेसरीज। तो एड्रेस? तिकोनिया रोड बरसाती में। ठीक, और सीट कवर कौन, किस रेंज से किस रेंज तक मिल जाते हैं? सीट कवर हमारे पास 2000 रुपये से लेके 15000 रुपये। 2000 से लेके 15000 रुपये। अच्छा, और जो टच लगता है वो टच? एंड्रॉइड मिल जाएगा, एंड्रॉइड 6000 से 32000 रुपये। ठीक है, और मैट कौन कौन सी लगती हैं? मैट हमारे पास 70, 90, 11D, 4D, 3D, लेमिनेशन और रबड़ मैट, काटा मैट, मैगी मैट, ट्रांसपेरेंट, पीवीसी, हर वैरायटी की मिल जाएगी। ठीक है, बाकी क्रोम किट पूरी, बॉडी कवर, स्टेयरिंग कवर, आर्मरेस्ट और सेंटर लॉकिंग, पावर विंडो, बैक कैमरा, सेंसर, ए टू जेड एक्सेसरीज मिल जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सारे एक्सेसरीज लगे हुए हैं, ये सब रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये सीट कवर यहाँ पे लगाए हुए हैं सब। बाकी आपके पास अंदर गोदाम में भी रखे हुए हैं ना सारे चीज़ें? ये सीट कवर सारे रखे हुए हैं, और किसी को कोई भी चीज़ एक्सेसरी लगानी है तो ये शॉप में है सारे चीज़ें। एंड्रॉयड वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, ये सब मिल जाएगा यहाँ पे लगवा देते हैं। सो पीस के लिए ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं सामान, और ये बैक सीट का भी अपनी नेक्सॉन का लग गया है यहाँ पे। अब ये सब फिट हो जाएगा एक सीट में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है शो। सीट कवर के डिज़ाइन दिखा दो कोई, अगर कोई लगाना चाहे तो देख सकते हैं। और ये तो स्पेशल ऑर्डर पे मंगाया मैंने, वैसे इनके पास बहुत सारे सीट कवर रखे हुए हैं अंदर अलग अलग डिज़ाइन के। तो यहाँ पे है इनका अंदर सीट कवर का, ये सारे सीट कवर इतने सारे रखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये एक डिज़ाइन है, ये कौन सा लेदर है? नापा लेमिनेशन है। ठीक है, एक ही वैरायटी है यहाँ पे, काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं अगर आपको किसी को चाहिए तो। और सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे यहाँ पे। ये भी एक है, ये भी नेक्सॉन में भी लग जाता है ना, किसी भी गाड़ी में? ठीक है, हर गाड़ी का मिल जाएगा प्रॉपर, हर गाड़ी का मिल जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रखी है ना आपके पास? तो दोस्तों देख सकते हैं सीट कवर लगा दिया है, और इस तरह से इसका लुक आ रहा है, ये देखिए। और अब बता देता हूँ मैं इसकी कॉस्ट क्या पड़ी मुझे। ये 7500 की कॉस्ट पड़ी मैट की, सॉरी सीट कवर की। और नीचे जो मैट बिछाई थी आपको भी दिखाई थी वीडियो में, जो मैट बिछाई है ये वाली, ये इसकी कॉस्ट है 2500 रुपये। तो 7500 ये है सीट कवर और 2500 मैट, देखते हैं अभी डिस्काउंट कितना लगाते हैं। और अभी 500 रुपये का ये हैंडल का कवर, स्टीयरिंग कवर लगाया है, इसकी फिटिंग देख लीजिए आप किस तरह से कर रखी है।
का वारंटी कार्ड है सीट का, ठीक है। एक साल में कट फट गया कुछ भी गया रिप्लेस होगा, नया होगा क्या तो होता है, जैसी जो सी सीट खराब होती है वो सीट चेंज होके आ जाती है। ऊपर की खराब होगी, ऊपर की फोटो देखोगे 15 इंच के अंदर चेंज होके आ जाएगी, ठीक है। फॉग कंपनी का है, ठीक है। फॉग कंपनी का जो है ये है सीट कवर, 1 ईयर की वारंटी है, ठीक है। चलो और भी दिखाता हूँ मैं अंदर से लुक कैसा आ रहा है। यहाँ पे देखिए सीट कवर का लुक आगे, और ये बैक साइड में ये देखिए, इधर ये है बैक साइड में, काफ़ी बढ़िया लुक दे रही है। अब आपने, आपको भी भूख लगी थी? मुझे भी भूख लगी है यार, खाना खाना है। दिखाऊं गाड़ी कैसी हो गई है, सीट कवर लगा दिया हमने, सीट कवर लगा दिए। हाँ ये गाड़ी में ना सीट कवर लगा दिए, देखोगे देखोगे देखोगे, ये देखो, बताना कैसी लगेगी गाड़ी, देखो कैसा लग रही है। हाँ ये सीट कवर लगा दिया और ये भी लगा दिया, देखो कैसा लग रहा है बता दो, सब देख रहे हैं। हाय बोलो, हाय बोल दो, हाँ हेलो इसको, हाँ इसको, ये तो फिनिश हो गया, इसको नीचे रखो मेरे को दे दो, लाओ अब बोलो, जय करो, कैसे करते हैं, हाँ और हेलो कर दो, हेलो, हाँ अब हमारी गाड़ी कैसी लग रही है बताओ, हाँ बताओ कैसी लग रही है, कैसे लग। और ये देखिए आम पक चुके हैं, अब कल इन आमों को तोड़ देते हैं क्योंकि आम पक के झड़ने लगे हैं। और ये हमने पेटी तैयार कर दी है, इसमें आधे तो अभी तोड़ दिए हैं हमने, ये देखिए ये आम तोड़ दिए हैं, बाकी कुछ और तोड़ने बाकी हैं। फ़िलहाल धूप और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो कल सुबह मॉर्निंग में ही इन सबको तोड़ेंगे। भूख लगी है, देखते हैं खाने में बना क्या है, बाकी काफ़ी भूख लगी है यार, सुबह से काफ़ी टाइम लग गया है, पहुँच गए घर पर।